Hello, my dear friends. Welcome to Target for IQ. So guys, today we are going to cover Chapter 8 of the Code of Criminal Procedure. But as you all know कि हम पहले कुछ MCQs solve कर रहे हैं उन lectures के basis पे जो हम already cover कर चुके हैं, ठीक है? तो चलिए, हम सबको पता है revision is the key और बिना revise किए हमें आगे तो बढ़ना ही नहीं है. तो चैप्टर 8 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और उसके बाद चैप्टर 8 में जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं डिटेल में उनको देखेंगे, ठीक है? सो आपको ये पिक्चर देख के समझ में आ ही गया होगा कि ये एक आदमी है भाग रहा है और पुलिस वाला उसके पीछे है. तो जाहिर सी बात है आज हम जिस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं MCQs लगाने वाले हैं जिस पे दैट इज चैप्टर अरेस्ट, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट. सो चैप्टर नेम इज़ अरेस्ट ऑफ पर्सन्स. बट चलो बिफोर स्टार्टिंग हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. चैप्टर अरेस्ट कौन सा चैप्टर नंबर है? तो दिस इज चैप्टर नंबर 5. ओके, और चैप्टर 1 क्या था, कहाँ से कहाँ तक था, ये भी देखना ज़रूरी है. अगर ऐसे रिवाइज करते रहेंगे तो हमें कोई बिल्कुल समस्या नहीं होगी चैप्टर्स को याद रखने में. तो चैप्टर नंबर 1 किसी भी मोस्टली ज़्यादातर एक्ट्स का प्रिलिमिनरी होता है. कहाँ से कहाँ तक था? 1 to 5. चैप्टर नंबर 2 इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स के बारे में बताया गया है, कैसे इस्टेब्लिश की गई है, कौन इस्टेब्लिश कर रहा है, किसकी कितनी पावर है. कहाँ से कहाँ तक था? सेक्शन 6 से लेके 25A तक. ओके, नाउ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 वो क्या था? पावर ऑफ कोर्ट्स, कोर्ट की कितनी पावर है, ये सारी चीज़ें बताई गई थी. कहाँ से कहाँ तक था? 26 से लेके 35. नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर नंबर 4 था, इसमें आपको याद होगा कि एड टू पुलिस और मैजिस्ट्रेट्स, कि पुलिस को कब हेल्प करेगा जनरल पब्लिक और मैजिस्ट्रेट को कब हेल्प करेगी जनरल पब्लिक, उसके बारे में बताया गया था. ये कहाँ से कहाँ तक था? 36 से लेके 40. और आज का जो हमारा चैप्टर है जिसमें हम क्वेश्चंस लगा रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन्स. ऑल राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हमारा देखिए पहला ही क्वेश्चन है, अरेस्ट ऑफ पर्सन्स इज कवर्ड अंडर चैप्टर. अगर आप रोज़ जब भी CRPC पढ़ने जाओ या कोई भी एक्ट पढ़ने जाओ, मुश्किल से 5 मिनट लगता है अगर आप एक बार उसके सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लें कि इस चैप्टर 1 में क्या है, चैप्टर 2 में क्या है, 3 में क्या है. तो अब देखो जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये हमारे कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है ना? तो यहाँ हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं, चैप्टर 5 इज़ द राइट आंसर, वी ऑल नो दैट. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट वारंट? कौन से सेक्शन है? देखो ये मार्जिनल नोट है भाई, कौन से सेक्शन की है? सेक्शन नंबर 41, जो पहला ही सेक्शन है वही बताता है कि पुलिस ऑफिसर किन किन सर्कमस्टांसेस में किसी भी पर्सन को बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के और बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है. जाहिर सी बात है ये सब संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में आने वाले अपराध ही हैं जिसको जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना किसी प्री रिक्विजिट कंडीशन के जो सेड ऑफेंडर है उसको अरेस्ट कर सकता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अंडर सेक्शन 41 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अगेंस्ट सेक्शन 41 द पावर ऑफ पुलिस टू अरेस्ट अ पर्सन कवर्स ऑल केसेस, इज लिमिटेड टू केसेस ऑफ मेयर सस्पिशन, इज कन्फाइंड टू केसेस ऑफ रीजनेबल सस्पिशन. ये देखो अगर सेक्शन बहुत ध्यान से पढ़ा है ना, ये टर्म जैसे ही आएगा कहते हैं ना की वर्ड्स पकड़िए, तो यहाँ पे जो की वर्ड है दैट इज रीजनेबल सस्पिशन, सेक्शन 41 में एज इट इज दे रखा है. ऑल राइट, इस वजह से सेक्शन 41 में उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर को ज़रूरी नहीं कि एकदम श्योर ही हो, अगर उसको सस्पिशन भी है एंड दैट टू रीजनेबल है तो वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है अगर उसे लगता है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं. अंडर CRPC पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट, यानी कॉग्निजेबल की बात कर रहे हैं, कंडीशंस हैं. हु कमिट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस किया भाई बिल्कुल अरेस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर इधर बाय द कोर्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, किसी के द्वारा भी, तो ठीक है ऐसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को भी अरेस्ट किया जा सकता है, जहाँ पर भी देखो अरेस्ट कर लो. हु ऑब्स्ट्रक्ट, जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है पुलिस वाइल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ इज लॉफुल ड्यूटी, उनको भी अरेस्ट कर सकते हैं. ये सब कुछ सेक्शन 41 में दे रखा है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है. आप बैरक खोलिए और अभी के अभी चेक करिए अगर नहीं याद आ रहा है तो. इस वजह से यहाँ पे देखो राइट आंसर इज डी, ठीक है? MPCJ का क्वेश्चन है ये, MPCJ आने भी वाला है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट समबडी अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, इसने मर्डर किया तो पुलिस ऑफिसर इसको अरेस्ट कर रहा है. एक ना एक रीज़न तो ये भी होता है ना कि दोबारा दूसरा कोई मर्डर ना कर दे या कोई और क्राइम ना कर दे. फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस, जाहिर सी बात है ये भाई साहब रहेंगे तभी तो पूछताछ करके हम इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे प्रॉपरली.
टू प्रिवेंट टैम्परिंग ऑफ एविडेंस, अगर इन्हें हम खुला ही छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है एविडेंसेस को टैम्पर करने की कोशिश की पूरी तरह से रहेगी। तो यहाँ पे देखो इट्स वेरी वेरी रीजनेबल काइंड ऑफ थिंग है ना, अगर हमने सेक्शन क्रैम नहीं किया है और क्रैम करने की ज़रूरत भी नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ करें तो भी आंसर्स हमारे सही हो जाते हैं। ओके जी, इसका क्वेश्चन है इलीगल अरेस्ट डज नॉट विशिएट द ट्रायल, अ कन्फेशन इज नॉट इनवैलिडेटेड बाय द इलीगल अरेस्ट। किसी पर्सन को इलीगली अरेस्ट किया और मान लो उसने कन्फेस कर लिया तो क्या वो विशिएट हो जाएगा? ठीक है, इसमें लिखा है नॉट इनवैलिडेटेड यानी इनवैलिडेट नहीं होता है। ओके नेक्स्ट है मेयर कीपिंग अ पर्सन इन पुलिस स्टेशन और रिस्ट्रिक्टिंग हिज मूवमेंट्स विद इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस स्टेशन अमाउंट्स टू अरेस्ट। फाइन, अरेस्ट नीड नॉट बी हैंडकफिंग अ पर्सन बट कुड बी कम्प्लीट बाई स्पोकन वर्ड्स। ठीक है, अगर उसने मुँह से ही बोल दिया, ये देखो लेडीज़ वीमेन की केस में होता है, अगर वो अपने जेस्चर से शो करती हैं कि यस हम अरेस्ट हो रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, तो वो भी अमाउंट करेगा जैसे कि आप हैंडकफ करके अरेस्ट करते हो। क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोट्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे तो देखो सारे ही सही हैं, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं जो यू नो डिबेटेबल या डाउट हो जिसमें, तो राइट आंसर भी यहाँ पे देखो हमारा 4 ही है। ठीक है, जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्समेंट्स, अ पुलिस ऑफिसर हैज़ द पावर टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट और वारंट ऑफ अरेस्ट इफ ही हैज़ रीजन टू सस्पेक्ट हिज कम्प्लिसिटी इन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स प्रोवाइडेड दैट ही इज सेटिस्फाइड फॉर रीजन्स इन राइटिंग दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। तो ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है कि बताना है हमको कोर्ट में देख के कौन कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है। टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, ये तो हमने पीछे ही देख लिया। फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, ये भी देख लिया। टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम टैम्परिंग, ये भी अभी देख लिया। टू कंपेल द एब्सकॉन्डिंग को अक्यूज्ड टू सरेंडर, ठीक है, इसमें को अक्यूज्ड की देखो सेक्शंस में तो कहीं ऐसा कुछ मैंशन ही नहीं है कि को अक्यूज्ड को कंपेल करने के लिए हम यू नो उस पर्सन को हम अरेस्ट कर सकते हैं, नथिंग लाइक दैट। इस वजह से हमारे देखो ये तो साफ साफ ही दिख रहा है, सेक्शन पढ़ने की ज़रूरत तक नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे सी है भी। ओके नेक्स्ट देखते हैं, पुलिस ऑफिसर हैज़ रीजनेबल सस्पिशन दैट के इज़ इन्वॉल्व इन द मर्डर केस। ठीक है, के है विच इज़ एंड हु इज़ इन्वॉल्व इन द मर्डर केस। तो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, ही में इन्फॉर्म द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इन्फॉर्म द मजिस्ट्रेट अरेस्ट के विदाउट वारंट। सीधी सी बात है, अभी सेक्शन 41 ही चल रहा है ना भाई, उसको सस्पिशन है, रीजनेबल सस्पिशन है, तो जाहिर सी बात है वो अरेस्ट कर सकता है के को। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट सच अ पर्सन विदाउट एनी वारंट हु इज़ अंडर सस्पिशन ऑफ डिजर्टिंग एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन। आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन की बात कर रहे हैं, तो जो SP होते हैं उनको पावर है, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को पावर है, या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर को पावर है, या किसी भी पुलिस ऑफिसर को पावर है। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट सेक्शन की लैंग्वेज बोल रहे हैं, यहाँ पे के लिए किसी भी पुलिस ऑफिसर को ये पावर हो सकता है अगर आर्म फोर्सेस का कोई पर्सन है यू नो और लगता है कि सस्पेशन है कि डिजर्टर टाइप कुछ है, तो उसे कोई भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट इज प्रोवाइडेड इन प्रोसीजर के सेक्शन में दे रखा है। इट्स वेरी वेरी यू नो इम्पॉर्टेंट एंड यू नो इम्पॉर्टेंट एंड ईजी ऑल्सो, बट कंडीशन ये है कि हमें सेक्शन याद होना चाहिए। तो ये जो अमेंडमेंट था उसमें से है 41B। देखो 41A जो था ये नोटिस की बात करता है, ये हम पहले ही भी देखे थे। ए नोटिस की बात करेगा, बी प्रोसीजर की बात करता है, सी से कंट्रोल रूम, तो कंट्रोल रूम की बात करता है, और जो हमारा डी था इसमें एडवोकेट की, डी से एडवोकेट। ठीक है, ये मैं आपको बताई भी थी थोड़ा चीट कोड टाइप, बाकी आप अपना पर्सनल भी बना सकते हो। ये 2018 का एक क्वेश्चन है MPCJ। ऑलराइट, चलो अगेन 41B पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट अंडर सेक्शन 41B ऑफ द CRPC। ओके तो यहाँ पे देखते हैं हमारा जो राइट आंसर आ रहा है, द पुलिस ऑफिसर शैल बियर एन एक्यूरेट, भाई ये तो जरूरी है। द पुलिस ऑफिसर शैल बियर विजिबल एंड क्लियर, ये भी जरूरी है। द पुलिस ऑफिसर शैल प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे दिस वन इज द डी, आप देख भी सकते हो। द पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड दैट ही हैज़ अ राइट ऑफ लीगल काउंसिलिंग ड्यूरिंग इंटरोगेशन। ठीक है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू बी साइंड एंड अटेस्टेड बाय वन मेंबर ऑफ his family and his relatives, the locality and one of his relatives,
other locality and one member of his family, his family or member of the locality and countersigned by the arrested person. Countersigned की बात इन तीनों में की नहीं, which is also you know important. इस वजह से देखो राइट आंसर ये राजस्थान का क्वेश्चन है. अंडर सेक्शन 41C यानी कंट्रोल रूम, द स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल रूम कहाँ कहाँ पे बनाएगी एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. कुछ भी नहीं, जब मैंने पढ़ाया था तो एकदम साफ साफ आपको बताया था वहाँ पे कंट्रोल रूम चाहे राज्य लेवल पे बने या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बने, ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है और इस्टेब्लिश कर सकती है. ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं. अंडर विच प्रोविजन एन अरेस्टेड पर्सन हैज़ राइट टू मीट एन एडवोकेट, 41D. देखो अगर याद है ना इस तरह से, ए में क्या था, नोटिस था, बी में क्या था, प्रोसीजर था, सी में क्या था, कंट्रोल रूम था, डी में क्या था, एडवोकेट था, आगे देखने की ज़रूरत पड़ी नहीं. बस मैं ऐसे ही चाहती हूँ कि एकदम ऐसे सी सेक्शन से आपको याद रहे. देखिए अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं बट क्योंकि हमें चैप्टर भी पढ़ना है इस वजह से बाकी सेक्शन बाकी एमसीक्यूज जो हैं वो हम कल देखेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है. आज पहले अब हम चैप्टर 8 के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं. तो चैप्टर 8 की जो रेंज है दैट इज़ फ्रॉम 106 to 124, ठीक है. इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं, इसमें सिक्योरिटी की बात कर रहा है. चैप्टर 8 से याद रखना कि सिक्योरिटी की बात कर रहा है. किस चीज़ के लिए, शांति बनाए रखने की सिक्योरिटी चाहिए, मजिस्ट्रेट को, कोर्ट को चाहिए, पुलिस ऑफिसर को चाहिए, और गुड बिहेवियर, आप अपना आचरण अच्छा रखिए उसके लिए भी सिक्योरिटी लेगा, ठीक है. तो वी हैव कवर्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट एरियाज. देखो इसमें मैं आपको ये पॉइंट आउट करा देती हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं. चैप्टर 8 है याद रखना, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ये सब याद रखना. इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 106 से लेके 124 है, बिल्कुल याद रहनी चाहिए, बिल्कुल कन्फ्यूज होना ही नहीं है इसमें. बार बार रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए, याद हो जाएगा. और अगर आप लेक्चर लगातार फॉलो कर रहे हैं तो लास्ट डे तक तो वैसे ही आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, दैट इज़ माई प्रॉमिस. ओके, देखो मैंने सेक्शंस को एकदम शॉर्ट में कर दिया है, ये आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है, आई एम डैम श्योर. क्या है 106 अगर कहीं लिखा है तो कुछ नहीं याद रखना आगे क्या पीछे की चीज़ें नहीं. 106 में कन्विक्शन की बात है, ठीक, खत्म भाई. सिक्योरिटी ही ले रहे हैं फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, काहे चीज़ के लिए, अगर कन्विक्ट हुए हो तो. ज़्यादा अंदर नहीं जाना अभी, ऐसे याद रखो, बिल्कुल देखना याद रहेगा. 107 में दूसरे केसेस है, अदर केसेस है. 108 में सीडिशियस मैटर है, अगर सेडिशन की बात है तो 108 से डील करता है. 109 सस्पेक्टेड पर्सन से रिलेटेड है. 110 हैबिचुअल ऑफेंडर्स. देखो ये स्टार्टिंग के 106 से लेके 110 ना, ये तो समझ लो आउट क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है, तो ये हमें याद रखना है. 111 में क्या ऑर्डर की बात कर रहा है. 112 में पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट समथिंग लाइक दैट, कि अगर वो पर्सन कोर्ट में प्रेजेंट है देन क्या क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है. 113 समन्स और वारंट, इनकी दोनों की साथ में बात कहाँ पे होती है, तो 113 में हो रही है. पर्सन नॉट सो प्रेजेंट, नहीं प्रेजेंट हुआ तो जाहिर सी बात है समन इशू होगा या वारंट इशू होगा. साथ में बात कहाँ हो रही है, 113 में, ठीक है, कैसे भी करके याद तो रखना है. 114 में क्या है, कॉपी ऑफ ऑर्डर अकंपनी टू समन्स और वारंट. 113 ही ऐसा सेक्शन है जिसमें समन्स और वारंट के साथ में बात हो रही है, तो उसके बाद 114 में इसकी कॉपी इसके साथ जाएगी, इसके बारे में बताया गया, हो गया, बस सिंपल है. 115 पर्सनल अटेंडेंस, अगर कोई आदमी को किसी आदमी को छूट देनी है कि भाई आप पर्सनली मत अटेंड करो कोर्ट, तो इन सब चीज़ों के बारे में 115 बात करते हैं, ठीक है. तो इसको पर्सनल अटेंडेंस याद रखना, दैट टू डिस्पेंसेशन ऑफ दैट पर्सनल अटेंडेंस. 119 क्या है, कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर विच सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड. वो जो पीरियड है कब से स्टार्ट होगा जिसके लिए सिक्योरिटी ले रखी थी, ये मैंने यहीं पे लिख दिया, ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ सच सेंटेंस, जिस दिन सेंटेंस खत्म हो रहा है ना उस दिन से वो पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे याद रखो, ठीक है. 122 इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ सिक्योरिटी. सिक्योरिटी नहीं दी तो भाई जेल जाना है, सिंपल है कि क्या है, वो सब बात की बात है, पर हमें अभी क्या याद रखना है, पैसे नहीं दिए तो जेल जाना है, 122 ये बताता है. 124 सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड, ठीक है, अनएक्सपायर्ड पीरियड की बात किस में कर रखी है, 124 में. एंड लास्ट इज 123 पावर टू रिलीज पर्सन इम्प्रिजन फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी. तो उन पर्सन को रिलीज करने की पावर कितनी, भाई जिसने सिक्योरिटी नहीं दी, डिफॉल्ट गया, उनको जेल भेजा गया, तो अब उन पर्सन को रिलीज करने की पावर किसके पास है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है या फिर CJM के पास है. कुछ नहीं ध्यान रखना, ये ध्यान रखना 123 में पावर बताई गई है भाई किसकी किसकी है. जो पर्सन डिटेन हुए थे, इम्प्रिजन किए गए थे, काहे लिए, उन्होंने सिक्योरिटी नहीं दी थी, रिलीज़ कौन कर सकता है, या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर CJM. बस यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म. चलो अब जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. हाँ, ये चार्ट मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर दिया. अब मेरी रिक्वेस्ट ही है आप लोगों से, इसको ना एज इट इज़ आप अपने नोट्स में कहीं पर लिख लो. इससे क्या होगा आप देख लेना, मतलब अगर 10 क्वेश्चन अगर इस सेक्शन से आएंगे ना तो आपके 8 क्वेश्चन तो या 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन समझ लो एकदम ऐसे ही आने वाले हैं. इसमें क्या पूछता है,
पहले तो किस सेक्शन में कन्विक्शन की बात है, 106 में कौन सी कोर्ट कर रही है, कौन सी कोर्ट एम्पावर्ड है अंडर सेक्शन 106। अभी क्वेश्चन भी लगाएंगे हम इस पर, तो देखना तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की या कोर्ट ऑफ सेशन। बच्चे बहुत 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 कन्फ्यूज़ होते हैं इसमें। तीसरी जो ये पीरियड वाली चीज़ है ना, इसमें तो मैं बेट लगा सकती हूँ 100% है कि बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। जब तक आप ऐसे कुछ बनाओगे नहीं ना, मान ही नहीं सकते कि कन्फ्यूज़न दूर होएगा। करना क्या है, मैं बना के दे रही हूँ, आप लिख लो अपने नोट्स में। ठीक है, तो 106 में पीरियड कितना है, 3 ईयर, दैट टू मैक्सिमम। हाँ, ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब 106, 107, 108 और 109, इन सब में विद या विदाउट श्योरिटी इनकी बात है। इन सारे सेक्शंस में सिर्फ हैबिचुअल ऑफेंडर वाली ऐसी बात है जिसमें श्योरिटी मस्ट है, ये भी याद रखना है। तो 107 अदर केसेस, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है, योर पीरियड क्या है, 1 ईयर मैक्सिमम। 108 सीडिशियस मैटर EM, 1 ईयर मैक्सिमम। सब में देखो, तीनों में 1 ईयर 1 ईयर है, डिफरेंस कहाँ पे है, सिर्फ 106 में 3 साल मैक्सिमम। और ये मैंने बता ही दिया कि 110 में विद श्योरिटी, ये एसेंशियल कंडीशन है, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लेना, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलो ओके, तो 106 देखते हैं। 106 कन्विक्शन वाला था, मैंने बताया ऑर्डर कौन करता है, भाई कोर्ट ऑफ सेशन या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इसमें कि कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिनके बारे में मेंशन्ड है, देखो या तो चैप्टर 8 IPC का चैप्टर 8 है इसमें, एक्सेप्ट 153A, 153B, 154, ठीक है इसको छोड़ो, बस ये ध्यान रखना चैप्टर 8 ऑफ द IPC, और असॉल्ट यूजिंग क्रिमिनल फोर्स और कमिटिंग मिसचीफ। देखो ये ना क्वेश्चंस पूछता है इसमें से एक, तो ये तो मैं तो बोलूँगी भाई याद रखना पड़ेगा, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और ब्रीच ऑफ पीस, कोई बात ज़्यादा नहीं है, तो इट्स नॉट दैट टफ। स्टेज क्या है कि एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ सेंटेंस, तब कोर्ट ऑर्डर करती है टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद या विदाउट श्योरिटी। मैक्सिमम पीरियड मैंने बताई दिया कि 3 साल का है। और अगर कन्विक्शन सेट असाइड हो जाती है अपील में या कहीं पे भी, तो बॉन्ड जो है वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। ये इससे भी क्वेश्चन आता है, ये मैंने देखा था। ऑर्डर मे ऑल्सो बी मेड बाई, इसमें और कौन कौन ऑर्डर कर सकता है, एक तो कोर्ट ऑफ सेशंस और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, दूसरा अपीलेट कोर्ट या फिर कोर्ट व्हेन एक्सरसाइजिंग इट्स पावर ऑफ रिविजन, तो वो कोर्ट भी इसमें ऑर्डर कर सकती है, ये ध्यान रखना। चलो अब देखते हैं 107 अदर केसेस की बात करता है। हु इज एम्पावर्ड, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पीरियड क्या है, 1 ईयर मैक्स। ब्रीच ऑफ पीस हो रही है, रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है जो डिस्टर्ब कर रहा है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को, जो आपकी सामाजिक शांति उसको भंग कर रहा है, तब इसमें बॉन्ड एग्जीक्यूट करा लेंगे विद या विदाउट श्योरिटी, ये तो हम जान ही चुके हैं। 108 सीडिशियस मैटर है, कौन एम्पावर्ड है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पीरियड क्या था, 1 ईयर, देखो नीचे दे रखा है। इसमें पर्सन या ओरल या राइटिंग में कैसे भी भाई लगे कि ये सेडिशन कर रहा है, तो भैया उसको पकड़ लो आप, सीधी सी बात है। 1 साल का ये बॉन्ड वॉन्ड करवा लो अगर छोड़ना है तो, कि आप 1 साल तक कुछ भी ऐसा करेंगे नहीं, ठीक है, बस इतनी सी बात रहती है। 109 में सस्पेक्टेड पर्सन है, उनकी बात। 109 हु इज़ एम्पावर्ड, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वॉट इज़ द पीरियड, 1 ईयर मैक्सिमम। क्या करता है सस्पेक्टेड पर्सन है, यानी कंसील करता है इन हिज प्रेजेंस, पुलिस ऑफिसर है उसके प्रेजेंस में छुपाने की कोशिश कर रहा है, या भाई कोशिश कर रहा है कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर दे, तो ऐसे ही बंदे को आप पकड़ लो, फिर बाद में जब छोड़ना बोलना हो, सस्पिशन है कि कुछ ऐसा वैसा कर सकते हैं, तो आप उनसे बॉन्ड साइन करवा लो, उनसे श्योरिटी ले लो, सब कुछ कर लो, सारी चीज़ें। नेक्स्ट 110 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 110 में हैबिचुअल ऑफेंडर, हु इज़ एम्पावर्ड, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, मैक्सिमम पीरियड क्या है, 3 ईयर्स, और इसमें विद श्योरिटी, ये नहीं भूलना है, विद श्योरिटी रहता है, ठीक है। हो गया खत्म आपका, समझ लो चैप्टर 8 कंप्लीट। चैप्टर 8 पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस, ये तो चैप्टर का नाम हमें याद ही है, ओके। अंडर विच सेक्शन ऑफ द CRPC प्रोविजन फॉर सिक्योरिटी पीस ऑन कन्विक्शन, कुछ नहीं देखना है, इतनी कहानी पढ़ने की जरूरत क्या है, कन्विक्शन है 106, देखो बी हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग मे आस्क फॉर श्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन, में कौन मजिस्ट्रेट एम्पावर था, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और अपीलेट कोर्ट वाले भी थे, और अगर वो कोर्ट जो रिवीजन की पावर एक्सरसाइज कर रही वो भी थे, देखो यहाँ पे कहाँ है, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये देखो हो गया ना। और अगर कोर्ट ऑफ सेशन दिया होता तो वो भी होता। अंडर सेक्शन 106 कन्विक्शन, अंडर सेक्शन 106 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स हैव पावर टू रिलीज द ऑफेंडर, फिर वही कौन से कोर्ट को पावर है, तो हमको पता है ना सेशंस कोर्ट दिया है, हाँ ठीक है इनको तो है। नेक्स्ट देखते हैं मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इनको भी है, एंड अपीलेट, हाँ देखो इसमें तो सारे लोगों को है, डी हो गया। फॉर वॉट ऑफेंस अ कन्विक्टेड पर्सन मे बी आस्क टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस, तो ये देखो ये सारे ग्राउंड्स मैंने बता रखे थे ना, 106 में लिखा भी है, आप उसको फिर से बैक पे जाकर देख लो, अनलॉफुल असेंबली है, राइटिंग है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, सब है, ठीक ओके। ब्रीच ऑफ पीस भी थी, है ना ओके। वॉट इज द एक्सटेंट ऑफ पीरियड, पूछ लिया ना, पीरियड 3 ईयर 1 में था, बाकी सब में 111 था, हमको तो पहले से ही याद है, कैसे भी क्वेश्चन पूछो।
विच अ कोर्ट कैन ऑर्डर अंडर 106 में तो 3 ईयर था, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स. हमें देखना ही नहीं है, है ना. अभी तो समझ लो नीचे देखने का ज़रूरत ही नहीं है, हमको पता है कि हमें आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग मजिस्ट्रेट कैन मेक एन ऑर्डर 107 अदर केसेस, ठीक है, टू अ पर्सन हु इज़ लाइकली टू कमिट अ ब्रीच ऑफ, ठीक है. अब इतनी स्टोरी की ज़रूरत नहीं है, नहीं ज़रूरत है. जब आप एक बार होता नहीं, जब चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होता है. दिस इज़ द यू नो परफेक्ट वे. तो 106 में 107 में कौन सा मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. ओके. सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन डिसमिनेटिंग सीडिशियस मैटर. सीडिशियस मैटर की बात कहाँ पे थी? 109 में कौन था? सस्पेशन वाले लोग हैं. ओके. एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड एज सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन. का टाइम क्या था? 1 ईयर. 3 साल तो सिर्फ 106 में ही था, उसके अलावा तो सब में 111 है. अब कितना भी आप घुमा फिरा के पूछ लीजिए. हु हैज़ द पावर टू रिक्वायर सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन. किसको पावर है सस्पेक्टेड पर्सन से लेने की? EM. ठीक. सब में देखो EM भी थे, एक में ही थे, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास, अपेलेट, रिविजनल, सब. द बॉर्ड अंडर सेक्शन 109 सस्पेक्टेड पर्सन एज सिक्योरिटी फॉर सस्पेक्टेड पर्सन कैन बी एग्जीक्यूटेड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर. कुछ देखना ही नहीं, हम पहले से ही पता है. अंडर सेक्शन 107 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन ऑब्टेन बॉन्ड फ्रॉम अ, देखो 107 है ना, 107 में क्या पर्सन हैबिचुअल ऑफेंडर है? नहीं, ये तो 110 है. लाइकली टू एब्सकॉन्ड पर्सन लाइकली टू कमिट अ ब्रीच ऑफ पीस, ठीक है ना. 107 में ये चीज़ साथ यू नो साफ साफ मेंशन है. अदर केसेस में जब ब्रीच ऑफ पीस करने पीस जो शांति भंग करने का यू नो सस्पिशन होता है, तब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑप्टेन कर सकता है बॉन्ड फ्रॉम दैट पर्सन इन अदर केसेस वाले चीज़ में. ओके. इन प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 107 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एग्जीक्यूटिव 107 मे रिक्वायर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर. सब में 1 ही 1 है, एक में ही तो था 3 ईयर्स. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द CRPC प्रोवाइड्स एज सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर? 110 हो गया ना, वेरी इजी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मजिस्ट्रेट इज ऑथराइज्ड? 110 में कौन सा मजिस्ट्रेट ऑथराइज है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. और इसमें विद श्योरिटी होती है, ये हमको पहले से ही पता है, ठीक है. 1 ईयर का टाइम. एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज एम्पावर टू सिक्योर सिक्योरिटी बॉन्ड फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स अंडर जितना नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर. ओ इट्स 3 ईयर्स. वेट. सो देर इज अ स्लाइट मिस्टेक एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इसको आप चेंज करो. ये जो 1 ईयर था दैट वुड बी 3 ईयर्स. ये मुझसे गलती हो गई और मैं आपको लगातार 1-1 बोल रही हूँ, पर यू नो किसी से भी गलती हो सकती है फ्रेंड्स. तो चलो इसको 3 ईयर्स कर लो. तो अभी क्या ध्यान रखना है कि 106 और 110 जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये सिर्फ 3 ईयर की बात कर रहे हैं, बाकी तो सब 1 ईयर है ही. ओके. सो थैंकफुली देखो नीचे आंसर राइट आंसर दे रखा है, तो उसका बेनिफिट ही होता है. अल्टीमेट एम हमारा क्या है? यही है ना कि हमको राइट आंसर पकड़ना है, दैट्स इट. ओके. सो दिस वॉज अ क्वेश्चन. 3 ईयर्स हैबिचुअल ऑफेंडर से कितने पीरियड का लेंगे? 3 ईयर, नॉट 1 ईयर. ओके. अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इन विच सेक्शन प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल हाउस ब्रेकर ऑफेंडर. तो ये सेम है, दैट इज़ यू नो हैबिचुअल ऑफेंडर. वो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं बस, बाकी सेक्शन की डिटेलिंग में तो मैंशन है ही, ऑलरेडी मैंशन है. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर द हैबिचुअल ऑफेंडर्स ऑफ रॉबरी और हाउस ब्रेकिंग टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड? यानी कौन सा मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है? तो 110 में तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही एम्पावर्ड है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन एनुमरेटेड अंडर सेक्शन 110 में? 110 विच एम्पावर्स EM टू एग्जीक्यूट सच पावर? दे. हाँ, इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ हमको एक्ट्स हैं वो थोड़ा ध्यान में रखने पड़ेंगे. तो इसमें देखना आप, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स भी है, फॉरन एक्सचेंज, ये फेरा और अनटचेबिलिटी, सारी चीज़ें, डाउरी प्रोहिबिशन नहीं है. तो ये बेयर एक्ट जब आप देखोगे तो बिल्कुल आपकी नज़र उस पर जानी ही जानी है. ओके. इफ़ अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एंड ऑर्डर रिक्वायरिंग सिक्योरिटी इज मेड अंडर सेक्शन 106 टू 117 तक बनाया गया है. ओके. तो इज एट द टाइम सच ऑर्डर इज मेड अंडर गोइंग अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट द पीरियड फॉर विच सच सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड शैल कमेंस. कब से कमेंस होगा? तो ये वहाँ से होगा, ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ सच सेंटेंस. आई गेस इट वॉज सेक्शन 119 में बता रखा है कि अगर 106 से लेके 117 तक की पनिशमेंट सेक्शंस में अगर पनिशमेंट दी गई है, पीरियड ऑफ कमेंसमेंट कब से होएगा इसका? तो ऑन द एक्सपायरी ऑफ सच, जब सेंटेंस एक्सपायर होगा तो उसके बाद ही होता है ना कि हाँ ठीक है अब 3 साल का आपको मौका दिया जा रहा है, तब की श्योरिटी भरो, सिक्योरिटी दो और बॉन्ड भरो. आपकी भाई तंग नहीं करोगे, परेशान नहीं करोगे. चलो मैचिंग कर लेते हैं.
पीस ऑन कन्विक्शन, कन्विक्शन 106 में था, यानी ए का फोर, चलो ये बी ऑप्शन में है और डी में है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सिक्योरिटी सस्पेक्टेड पर्सन 109, बी का थ्री बी। तो ये हमारा राइट आंसर भी यहाँ पे बी पे है। आगे बढ़ने की ज़रूरत क्या, टाइम बचेगा। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताइए कि फर्दर क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, और इफ़ यू हैव एनी डाउट, ओके आप कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको उसका आंसर के साथ आपको मिलते हैं फिर हम उसमें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेक्चर, एंड कीप इन टच, साथ साथ बने रहिए। CRPC में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 100% ही आपका कवर होगा, क्वेश्चंस और डिटेलिंग के साथ, आपके एक साथ दो काम चल रहे हैं, सो बी इन टच। ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।